सोलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना आप लोगों को कुछ इस टाइप की फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा गाइस। तो गाइस, आप लोगों को बिल्कुल न्यू ट्रिक है बताया हूँ 2023 का। तो आप लोगों को ट्रिक को पता करने के लिए ना गाइस वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोग इस वीडियो में बताया हूँ अपने फेस को कैसे इतना ज़्यादा मासूम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ना सबसे पहले अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेना है, किस में? स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे टूल्स पे आने के बाद जस्ट आप लोग को सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अपने चेहरे पर से स्लाइड करके ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक दिखाई दे वहाँ वहाँ सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर लेना है। अब यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या करना है, फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हीलिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और अपने फोटो को ऐसे जूम कर लेना है आप लोग को, सॉरी यहाँ पे ऐसे जूम कर लेना है। और जूम करने के बाद जहाँ आप लोग को पिंपल्स यानी दाग धब्बे दिखाई दे इसको ऐसे रिमूव कर लेना है। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे टून इमेज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एडजस्ट करना है आप लोग को, तो यहाँ पे हल्का से ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है और नीचे स्लाइड करना है, फोर्थ नंबर पे आना है। यहाँ पे अम्बाइंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको भी हल्का से इंक्रीज कर लेना है और नीचे स्लाइड करेगा शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का से माइनस पर रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। तो अब आप लोग कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और अपनी फोटो को ले चलना है किस में, लाइट रूम के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फोटो को ओपन कर लिया हूँ किस में, लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे लाने वास्ते ना फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, सबसे पहले नीचे स्लाइड करना है फ्रेंड्स, लाइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कंटेस्ट को हल्का से माइनस में रखना है और हाईलाइट को भी हल्का से माइनस, और फ्रेंड्स शैडो को यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है और वाइट को हल्का सा इंक्रीज और यहाँ पे ब्लैक को हल्का सा माइनस। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से एक एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स हल्का सा एक्सपोजर को इंक्रीज करना है और कंटेस्ट को माइनस में रखना है और हाईलाइट को भी माइनस में और शैडो को इंक्रीज करना है, वाइट को भी इंक्रीज करना है और ब्लैक को माइनस में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग इसका एकदम कॉपी करेंगे तभी भी आप लोग मेरे जैसे फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आएंगे कलर पे और मिक्स पे जाएंगे और सेकेंड कलर पे आएंगे, इसका सैचुरेशन को हल्का सा माइनस में रखेंगे और ल्यूमिनस को इंक्रीज कर लेंगे फ्रेंड्स। और येलो कलर पे आएंगे, पूरा फुल सैचुरेशन माइनस में रखेंगे यहाँ पे सबका। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रेड कलर पे आएंगे और यहाँ पे इसका सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, वही को हल्का सा माइनस और ल्यूमिनस को इंक्रीज। और फ्रेंड्स यहाँ से डन कर देना है आप लोग को और इस पर आना है फ्रेंड्स, हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज करना है और विग्नेट को हल्का से माइनस में रखना है और टेक्सचर को भी हल्का से इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स। और इस पर आना है फ्रेंड्स, हल्का से यहाँ पे सरप्राइज को इंक्रीज कर लेना है और मैकिंग को भी और नॉइज डिटेक्शन को भी, यहाँ पे कंटेस्ट को भी, कलर नॉइज को भी, और लास्ट में डिटेल्स को और स्मूथनेस को 100 कर देना है फ्रेंड्स और इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है आप लोग को। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए बिफोर आफ्टर, तो हल्का से फेस हल्का से गोरा हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम रियली फेस लग रहा है गोरा। तो ओवर आप लोग को फेस को स्मूथ मतलब ओवर आप लोग को फेस को गोरा नहीं करना है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अपने फेस को स्मूथ करना है आप लोग को। तो स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, अपनी फोटो को सबसे पहले ऑटोडॉक्स एप्लीकेशन में यहाँ से शेयर कर लेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स आप लोग अपने चेहरे को हल्का से मासूम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फ़ोटो को ओपन कर लिया हूँ ऑटोडॉक्स एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखिए ला चुका हूँ मैंने अपनी फ़ोटो को। तो यहाँ पे लाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इधर आएंगे ऊपर, आप लोग को ऊपर आना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आना है टेक्चुअर पे और यहाँ पे देखिए नीचे से यहाँ पे सेकेंड वाले ब्रश में इसके थर्ड वाले ब्रश को चूज करना है
और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे स्मच पे क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, स्मच ब्रश कर लेना है सबसे पहले, और साइज को अपने हिसाब से रखना है। फ्लो को यहाँ पे 23 रखना है और स्ट्रेंथ को यहाँ पे 26 रखना है, और साइज को अपने छोटा बड़ा करके आप लोग को अपने फेस को ऐसे स्मूथ करना है जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अपने फोटो का आप लोग सबसे पहले जूम कर लेना है, और आप लोग जहाँ पे स्मूथ करना है आप लोग को ऐसे ड्रॉ करना है ओनली। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे स्मूथ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे इसका साइज छोटा बड़ा करके आप लोग को स्मूथ कर लेना है। इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे और अच्छे से इसे रोटेट कर करके अपने फोटो को जूम करके स्मूथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा से स्मूथ कर पाएंगे, बिल्कुल रियल स्मूथ लगेगा गाइस आप लोग को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके आप लोग को स्मूथ करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग आराम से स्मूथ कर लीजिएगा अपने फोटो को, ऐसे जूम कर करके ऐसे रोटेट कर करके आप लोग को स्मूथ कर लीजिएगा आराम से। मैं यहाँ पे वीडियो को हल्का सा फास्ट कर देता हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि इतना फास्ट मैं कैसे स्मूथ कर लेता हूँ, तो बस ओनली मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ और स्मूथ में अच्छे से अच्छे स्मूथ में टाइम मैं देता हूँ तभी अच्छे से स्मूथ करता हूँ अपनी फ़ोटो को मैं। तो यहाँ पे जल्दी से आप यहाँ पे आप लोग करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा चेहरा आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ स्मूथ हो चुका है। तो स्मूथ करने वाले फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है और अपनी फोटो को शेयर पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव टू डू ऐप सबसे पहले कर लेना है, और अपनी फोटो को ले चलना है किसमें, फेस एप्लीकेशन में गाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ किसमें, फेस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है फेस एप्लीकेशन में लाने के बाद से, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स मैं पहले से हल्का सा स्माइल दिया हूँ, तो हल्का सा और यहाँ पे स्माइल ला लेंगे सबसे पहले क्लासिक पे क्लिक करके, और यहाँ से डन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फेक स्माइल लग रहा है आप लोग को, तो इसको कैसे रियल बनाने के लिए आप लोग को एज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एंक 3 पे आना होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे थर्ड पे चूज कर लेना होगा आपको और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स फेस भी और अच्छा से स्मूथ हो चुका है, और यहाँ पे जो भी एज था थोड़ा सा कम हो चुका है, मासूम बन चुका है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, और फ्रेंड्स आप लोग को अगर फोटो को अपने HD करना चाहते हैं तो लास्ट में आप लोग रिमेनिंग एप्लीकेशन का यूज कर लीजिएगा। तो मैं बहुत सारे मैं वीडियो में बताया हूँ रिमेनिंग एप्लीकेशन का कैसे यूज किया जाता है, तो जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और अपनी फोटो को HD में और कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगे, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।